गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। गर्मियां आ गई हैं और दही बड़े, रायता, ये सारी चीज़ें जो है आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डरते भी हो कि हमारा वेट गेन हो जाएगा। लेकिन आज मैं उसी का एक ट्विस्ट लेके आई हूँ कि आप जितना मन करे उतना दही बड़े खाओ और आपका वेट बिल्कुल भी नहीं गेन होगा, इवन आप वेट लॉस करोगे। आप इसे एज अ अपना लंच ले सकते हो और आप एज अ इसे अपने जो ब्रेकफास्ट में भी ऐड कर सकते हो। क्वांटिटी क्या है वो मैं ज़रूर आपके साथ आगे शेयर करूँगी, लेकिन हाँ यू नो कि कर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे पेट के लिए, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पेट को काफ़ी अच्छा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, यानी कि प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे पेट को काफ़ी अच्छा रखते हैं, हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। यू नो कि बैक्टीरिया कभी, मतलब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया हमेशा हार्मफुल होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया भी हमारे पेट में होते हैं। तो उसे अच्छा और अच्छा यानी इन्हेंस करने के लिए हमें कुछ अच्छी चीज़ें अपने पेट को देनी होती है। तो जस्ट लाइक कर्ड एक ऐसी चीज़ है जो उन बैक्टीरियाज को थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, थोड़ी सी ताकत देते हैं, जिससे कि वो हमारे डाइजेशन को और अच्छा बना। इसीलिए आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी डाइट शेयर करने आई हूँ, और आई थिंक अभी आपके साथ ऐसी डाइट किसी ने भी नहीं शेयर की होगी, ऐसे दही बड़े किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे जो आप डाइट में ले सको। और इस रेसिपी को बहुत ही क्विक आप बना सकते हो, और ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ वेट लॉस करना चाहता है वो खाए, हेल्दी है तो आप घर के किसी भी बड़े बूढ़े बच्चों सबको दे सकते हो। कुछ ट्विस्ट वर्जन है, मैं बोलूँगी कि इसमें ऑयल का यूज़ नाम मात्र किया गया है, अगर मैं बोलूँ एक बूंद तो इनफ है, और बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। हमें अपनी वेट लॉस की जर्नी में हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हम घास फूस खाएँ, उबला खाना खाएँ, हमें कुछ ऐसे ट्विस्ट देने होते हैं अपने खाने में जो कैलोरी हम 300 ले रहे हैं, लेकिन हाँ मान लीजिए आप दाल चावल खा रहे हैं, आप 300 कैलोरी ले रहे हैं, उसी का ट्विस्ट वर्जन ढूंढ के निकालना है कि वो 300 कैलोरी घट के 100 आ जाए और हम उस दाल चावल को ही खाएं लेकिन वो 100 कैलोरी में खाएं। तो जस्ट लाइक जिस दही बड़े की जो कैलोरीज 300 है, सेम इस दही बड़े की अगर मैं बोलूँ तो 75 to 80 कैलोरीज ही होंगी। तो आप सेम चीज़ खा रहे हो लेकिन कैलोरी, बिकॉज कुछ ट्विस्ट आ जाता है उसमें, और उस ट्विस्ट को मैंने इस दही बड़े में ऐड किया है। क्या है, कैसे है, चलिए दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको नॉर्मली घर में जैसे नॉर्मल बाउल में आप बनाओगे तो बाउल एक लेना है, और इसके बाद आपको लेनी है सूजी। सूजी कभी भी आपका वेट गेन नहीं करती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो फ़िलहाल तो मेज़रमेंट पे चलते हैं, और मैं यहाँ पे 3 छोटे वाले जो स्पून होते हैं वो मैं यहाँ पे सूजी ले रही हूँ। आप सूजी का चिल्ला खा सकते हैं, सूजी का उत्पम खा सकते हैं, सूजी की इडली खा सकते हैं, कभी भी वेट गेन नहीं करेगी, लेकिन एक क्वांटिटी के अंदर। देन उसके बाद उसी सेम स्पून से मैं 1.5 स्पून यानी 3 स्पून मैंने अगर सूजी डाली है तो मैं 1.5 स्पून उसका जस्ट हाफ मैं यहाँ पे कर्ड डालूँगी। कर्ड मैं लो फैट मिल्क वाला यूज़ कर रही हूँ, तो ध्यान रखना जो दही है वो आपको कम यूज़ करना है। इसके बाद दही से भी हाफ आपको जो है पानी डालना है। तो ये होता है मेज़रमेंट, थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते चलेंगे बाद में, और इसको इस तरह से अब हम इसको रख देंगे। तो 15 मिनट आपको इसे ऐसे ही रख देना है, बिकॉज सूजी फूलती है और ये अभी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे। 10 मिनट भी इनफ है, 15 मिनट भी इनफ है, जैसा आपके पास टाइम है आप वैसा टाइम इसको दे देना। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे ही रख दूँगी। आफ्टर 15 मिनट आप देख सकते हैं सूजी ने सारा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम धीरे धीरे इसमें पानी और डालेंगे ताकि ये, क्योंकि हमें एक नॉर्मल सा ऐसा जो है यहाँ पे ये चाहिए कि ये अच्छे से बन जाए हमारे जो चीज़ मैं बनाने वाली हूँ। देन उसके बाद तब तक हम जो है अपने अप्पे तवे, यानी ये ट्विस्ट है मेरी आज की इस रेसिपी का, कि हम डीप फ्राई नहीं करेंगे अपने दही बड़ों को, हम जस्ट लाइक अप्पे पैन में इसे बनाएंगे। तो बहुत ही लेस, अभी मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, देन उसके बाद पहले मैं बहुत अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, देन ग्रीसिंग के बाद जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है पहले मैं सारे अच्छे से अप्पे को कर लूँगी। मतलब गैस चला के मैं ये काम नहीं करूँगी, वरना अप्पे तवे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तवा, और फिर अप्पे जलने लगते हैं। तो यहाँ पे ये करने के बाद मैं एक्सेस ऑयल
निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं एक्सेस ऑयल मैंने निकाल लिया है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ग्रीस भी हो जाएगा आपका तवा और आप सही से मतलब हो भी जाएगा। तो हम अब अपने बैटर की तरफ चलते हैं। हम डालेंगे उसमें नमक, इसके बाद बिकॉज़ हम हेल्दी ट्विस्ट दे रहे हैं, हम यहाँ डालेंगे अलसी के रोस्टेड दाने। तो मतलब हेल्दी चीज़ है तो मैं हर चीज़ इसमें हेल्दी ही डालना प्रेफर करूँगी, क्योंकि हमारा बैटर बहुत कम है। तो हम हाफ इनो डालेंगे, फुल इनो नहीं डालेंगे, वरना जो इसका टेस्ट है वो बेकार सा हो जाएगा। तो हम इसमें हाफ जो है इनो डालेंगे और देन उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इस इनो को यहाँ पे मेल्ट कर देंगे। और अब हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है, यानी कि इनो डालने के बाद अब हमें रेसिपी बनाना स्टार्ट कर देना है, बिकॉज़ ये फर्मेंट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो तवा है वो भी रेडी है, और मैंने तवे को थोड़ा सा गरम करके बंद कर दिया था, जलते हुए में मैं नहीं डालती हूँ, ये मेरा बनाने का तरीका है। उसके बाद आप कैसे बनाते हो ये पूरा आपके ऊपर है। मैं अपे इसमें धीरे धीरे करके डालूँगी और उसके बाद मुश्किल से 5 to 7 मिनट में हमारे अप्पे बन के रेडी हो जाएंगे। देन मैं आपको आगे की रेसिपी बताऊंगी। अप्पे बनाने का मैं तरीका क्या बताऊँ, मोस्टली आजकल सबको पता है, तो मैं इसी तरह प्रेफर करती हूँ और अपने घर वालों को भी इसी तरह आराम से खिलाती हूँ। इस ऑयल में अब आपको कोई भी ऑयल इसमें ऐड नहीं करना है, जस्ट इसको यहाँ पे ढक देना है और अब ये आपके स्टीम में अच्छे से पक, अब ये बहुत फूल जाएंगे और आपके स्टीम में अच्छे से पक भी जाएंगे, नॉर्मली जैसे आप अप्पे बनाते हो। तो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, तब तक चलिए अपने दही की तैयारी। और मैं यहाँ पे लो फैट मिल्क ही ले रही हूँ, आपको भी लो फैट मिल्क लेना है तो यहाँ पे मैंने लो फैट मिल्क ले लिया है, आप देख सकते हैं। ना हो तो घर में जमा लेना जो लो फैट मिल्क होता है, नॉर्मल दही को काउ मिल्क या फिर लो फैट मिल्क लाके जमा लेना। उसके बाद भुना हुआ जीरे का पाउडर मैं डालूंगी, जो मेरे घर में मोस्टली रखा रहता है, मैं हमेशा बना के रखती हूँ। थोड़ा सा चाट पाउडर मैं ऐड ऑन करूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत यम्मी सा स्वाद आता है। मैं कोई भी मीठी चटनी का यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज मैं इसे हेल्दी ट्विस्ट दे रही हूँ और मीठी चटनी में शुगर या फिर जैकरी ज़रूर जाएगा, इसलिए मैं वो इसमें नहीं डालूँगी। हमारा कर्ड भी बन के रेडी है, और इधर मैं अप्पे को भी एक बार चेक कर लेती हूँ। तो हमारे जो अप्पे हैं वो भी बन के रेडी हैं, मैंने बीच में जैसे थोड़ा सा मोड़ दिया तो मतलब इसे पलट दिया था, तो इस तरह चाकू की हेल्प से मैं देखूँगी कौन से पके हैं और कौन से नहीं पके हैं। तो बीच बीच में आप टर्न करते जाना। तो यहाँ पे मैंने 2 अप्पे ले लिए, आप देख सकते हैं फूल के खूब बड़े से हो गए हैं। और इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी अपना ये दही। तो बहुत अच्छा तरीका है, आप हर चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं, लेकिन उसकी कैलोरी कम करके। तो यहाँ पे मैंने दही से इसको बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया और बहुत जल्दी सूजी के अप्पे, क्योंकि ये ऑलरेडी फूले हुए हैं, जैसे ही आप डालोगे इसमें बहुत अच्छे से सारा दही जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद अगेन मैं थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, जो भी मसाले आपको डालने हैं वो, थोड़ा सा जीरा पाउडर रोस्टेड, और ऊपर से हरे धनिया से गार्निश कर दूंगी। तो जो हमारी रेसिपी है वो बनके रेडी है, आप इसे खा सकते हो, 2 खा सकते हो दिन में, नो प्रॉब्लम। इस तरह से आप अपनी किसी भी रेसिपी को हेल्दी तरीके से ट्विस्ट कर सकते हो। तो बनाना और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना, मेरी आईडी है बींग ब्यूटीफुल सुगम। तो ये मेरे ऐप पर रेडी हैं। सो फ्रेंड्स, देखा ये यम्मी से दही बड़े और बहुत ही अच्छे, मैं बोलूँ एक बूंद से बनाए हुए दही बड़े आपको काफ़ी पसंद आएंगे। ट्राई जरूर करना, मेरे साथ शेयर कर जरूर करना, जैसा भी हो रिजल्ट जरूर बताना। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए